160 200 जन बोले थे भाई, जो बाकी तो नहीं, ग्रुप की स्टार्टिंग होने जा रही है 160। एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर भाई, एक्स्ट्रा जो दोस्त बाहर खड़े हैं आप बाहर आ जाइए मित्र, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। एक साथी चैल डिफेंस एकेडमी से यूट्यूब चैनल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो बनाने के लिए साथी बिल्कुल तैयार है। 160 बाकी मैदान से बाहर आ गया, जिसकी ड्यूटी अंदर लगी है वो अंदर और बाकी बाहर। 160 फोटो चाहते, फोटो बता दियो, वीडियो चाहते, वीडियो बता दियो। कर दो लुआ जा, लुआ जा। और बस उनके पेट में दर्द हो, मीठा कौन काम करे। मास्टर नेहा सिंह जी पहला ग्रुप, हल्के हल्के समोसे धक्के मत मारना भैया, धक्के मत मारना, ग्राम में कृपा जाने प्लीज। ओए बाहर ही चल रहा है, ओए लाइन से बाहर, बाकी साथी और सारे मत आ रहे हैं, नाली से इशारा है, नाली से इशारा है भाई, थोड़ा 2-4 सेकंड आगे पीछे हो, कोई बात नहीं, आगे मत जाइए, मेरे पास 7 सेकंड हो गए चले गए। अच्छा तो मेरा टाइम, आपका टाइम देखो, मेरा टाइम सेट कर, पहला ग्रुप, दूसरे ग्रुप वाले साथी जल्दी जा रहे हैं। और अपना दोस्तों चहल डिफेंस अकेडमी मैगनो चहल शहीद भगत सिंह स्टेडियम भोपाल। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव दौदा में, यहाँ रनिंग का कंपटीशन रखवा दिया दोस्तों, तो ये वीडियो देखो दोस्तों। दूसरे ग्रुप के लिए 7 से 120 आगे बढ़ने का हमारी उम्मीद नहीं है।
पहला चक्कर 1:07 के अंदर पूरा हुआ है। वॉलंटियर साथी पूरा ध्यान रखे, कोई अतिरिक्त खिलाड़ी इनके बीच में ना घुस जाए। सोनू है पूरे पूरे मुस्ते जीते खड़े हो, जो कोई आगे नहीं जाना चाहिए। दो चक्कर पूरे, पहले ग्रुप के दो चक्कर। सारे साथियों को एक खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आ गया और आगे मत जाने देंगे। सोनू मंदीपा जो बच्चे पहले ग्रुप का तीसरा चक्कर प्रगति पर। वो सामने दे दे दिया। ये ग्राउंड में अतिरिक्त साथियों को आगे न जाने दे रही हूँ। चौगान को से कहीं का हो उनको बाहर रखिए, ग्राउंड से बाहर। नाली से तल्ली की तरफ गगनदीप है, कोई भी साथी तीन चक्कर पूरे, आखिरी चक्कर बाकी है। आखिरी चक्कर प्रगति पर, पहले ग्रुप का तीसरा चक्कर। सात आठ बच्चे पहले ग्रुप का बना देंगे इनके, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बताओ कोशा कोशा करना। जय जय पहले ग्रुप का आखिरी चक्कर। मेरे मुरे में क्यों रह गया चक्कर तो बड़ी खराब, चक्कर तो बड़ी खराब छोटा करो। दो साथी रुक चुके हैं ग्राउंड से बाहर चले गए और नाली से पड़ी से मंदीप जी भाई जिम्मेदारी बिल्कुल एक अपना तरीका इन दोस्तों का। पहले ग्रुप का पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा नीतीश गिरता है। बस रोकने वाले तो खड़े करो बस। बच्चे ग्राउंड में एंट्री नेक्स्ट काले इनकी मोबाइल में तस्वीर ले ले सकती है, मैसेज बना के ले ले। अरे बात सुन लग रही है, देखो जान लग रही है, 300 तो आ जी इंटरव्यू होने लग रही है 300 की। ये दूसरा राम पाठ है, राम राम दोस्तों। ये दोनों दा रनिंग कंपटीशन का दूसरा राउंड है दोस्तों। भाई ये माइक संभालेंगे हमारे पत्रकार बंधु। ये दूसरे राउंड का पहला चक्कर है दोस्तों। ये दोनों का रनिंग कंपटीशन है, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट आए हुए हैं जो आर्मी की फिजिकल की तैयारी करते हैं, जो गांव में अपनी रनिंग करते हैं दोस्तों, वो काफ़ी मात्रा में बच्चे आए हुए हैं। 300 से ऊपर के स्टूडेंट यहाँ आए हैं। जी
पिंटू शाबाश सोलह सौ मीटर की रेस है। दूसरी रेस जो है वो नॉर्मल जो है रेलवे वगैरह में आर्मी वगैरह में जो है भर्ती के लिए जो होती है, तो अगर इस तरह की प्रतियोगिता होती रहेगी तो आर्मी वगैरह में भर्ती होने के लिए भी मैं तदर रखे हैं पूरा पूरा वाला काम करने वाले हैं वो समाधान भी की बड़ा बीड़े मकड़े कर गुड पंडित खींच के शाबाश बारों दारों मित्र बहुत बढ़िया ढाई मिनट इतने तो बहुत टाइम है टाइम का कोई बैठना नहीं पंडित सर पिंटू अपने खाते हैं चक्कर ठीक मर गया पासे वैसे टूट गया सब यहाँ पंडित करो जी ये सात अठ आया ब्रेक दिया करो ब्रेक तो नहीं जा पाती मैं ब्रेक दिया करो सात अठ बालक आया कुछ एक बार बीच मड़ा करो हाथ पे सात बालक आए सब बड़ा बस वो तो ठीक है पर शुरू वाले सात तो टाले ले जाओ जो पिछली बार तो सारे आए आठ थे अंतिम राउंड है और अंतिम राउंड चले कि 100 मीटर जो बचा हुआ है यही 100 मीटर में जो है रावत को अपना दमखम दिखाना होता है और अंतिम दौर में काफी भाई साहब तीसरा ग्रुप रेस के लिए तीसरा ग्रुप तैयार है। कर फंडा आदि
तो दोस्तों ये तीसरा राउंड स्टार्ट किया गया है, ये दौड़ा रनिंग कंपटीशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं लड़के और आप देख सकते हो काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट भी आए हैं, ये देख सकते हो भीड़ आप देख सकते हो। चल जानकारी के लिए एक बात है आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2018 में मंदीप चहल नाम के खिलाड़ी रहे हमारे मुरवाना से, एशियन गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो दोस्तों हम बता दें इसमें चाइल्ड डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट भी है, जो मेरे स्टूडेंट है वो इस कंपटीशन में भाग लिया और इस ग्रुप में दोस्तों कोई मास्टर जी अगला ग्रुप बुला दो जो करें पता जो लास्ट वाला काम करो नहीं वो कर करवा लो बीच में फिर एक बार ना नहीं करवा लिया यू कराया रेस्ट मिल जाएगा रेस्ट मिलेगा इतना डबल मारे पहले यही करवाएंगे फिर कराऊंगा ये मेरे स्टूडेंट हुआ स्टूडेंट है भाई मेरे अकेडमी से ब्लैक टी शर्ट में तो टाइमिंग तो बढ़िया वो तो फिर और तो टाइमिंग देनी थी ना यू ग्राउंड ट्रैक है नी उसी जैसा है बस फर्क यही करूंगा वो पता की करे जी वो तो आदमी से 5,000 10 सेकंड दे पहले गर्म टाइम दे वही 5-20 मिनट है तो 5-20 दिन दे वही 100 बच्चे है जेडी ये टाइम की करा अकेडमी की है हां मेरी अकेडमी है फ्री है जी मैं कुछ नहीं सुनिए बगरे आज में खड़ा लिए सॉरी मेरे कराई थी करवाना चाहिए मेरे भी कह रहे थे करवान करवाने मैं करवा तो देंगे कमेटी लाइन बाजार जिस नंबर वाला पकड़ा नहीं उसका हाथ पकड़े रखे और फर्स्ट सेकंड थर्ड का छोटा ना करो जो पकड़े पकड़े रखो जब तक तो उसका नाम नहीं लिखा था उसका हाथ ना छोटा बस छोड़ी ये बड़का ना बन दिया कई बार कहने फिर पुट्ठा कट दो फिर मुंडा लगा उड़े दो
आठ सात जाए पूरे करते रहो, एक दो बच्चा ना खड़ा करो जी, और रोकने वाला ना खड़ा करो होला। तीसरे ग्रुप का अंतिम राउंड और बाकी रहती है, ये लास्ट राउंड है दोस्तों। चौथा चक्कर बड़ी खूबसूरत रेस हो रही दोस्तों, बड़ी अच्छी स्पीड हो रही है। बना बनाया तीसरा राउंड समाप्त हो चुका है दोस्तों, और तीसरे राउंड के ये जो स्टूडेंट हैं करीबन करीब हर ग्रुप में सात से आठ बच्चे लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो ये ग्रुप है। तो दोस्तों ये चौथा राउंड है, और इस राउंड में मेरे कुछ स्टूडेंट है दोस्तों, ये चौथा ग्रुप है दोस्तों, और इसका पहला चक्कर स्टार्ट कर दिया गया है, चौथा राउंड है। इसके बाद कोई और ग्रुप है तो बताएं थोड़ा सा, ताकि वो भी राउंड से इस ग्रुप के खत्म होने से पहले तैयार हो जाए। इसके बाद एक ग्रुप और है, जो बचा हुआ ग्रुप है वो तैयार रहे। अरे दोस्तों लंबी जो रेस होती है, इसका एक नियम होता है कि जो पहले सामान्य दौड़ता है वो अंतिम ग्रुप के जो धारक है वो तैयार है। थोड़े ये मेरे स्टूडेंट है भाई, जो ऑडियंस का शाबाश 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 बेटे, चलता रहा चलता रहा, शाबाश, चलो 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 शाबाश, खींचते रहो जी। चार चक्कर पूरे करो, चलो शाबाश शाबाश। ये जो भी राउंड में जो धावक है वो जो रेस बीच में छोड़ रहे हैं उनको साइड में कर दे, ताकि कोई शामिल हो पाए। अरे बाहर काट लूंगी यार।
इसका ध्यान रखा जाए जो ये बीच में रेस छोड़ रहे हैं धावक, मैं तो उनको दूर कर दिया जाए ताकि वो कहीं किसी राउंड में शामिल ना हो जाए। कितना तीसरा चक्कर हो गया, चौथा लास्ट है, लास्ट है यहाँ से। ये मेरे का डिव्यू स्टूडेंट है भाई जो सबसे आगे है, अंकित चहल। शाबाश शाबाश बेटा, 100 मीटर आगे चला। शाबाश दौड़ के महान मुकाबले में दौड़ता है, दूर दूर तक अपना दम दिखाना होगा। सारे दौड़ बड़े दिल से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, बड़ी महान मुकाबला आगे भले लागे, बहुत रोचक होगा। और इस मुकाबले को रोचक बनाने के लिए हमारे बड़े भाई पल्लवन एक्सरपल्स और हमारी आशा और उम्मीद युवा साथी बड़े छोटे भाई अंग्रेज और हमारा लाडला मनदीप दूसरे भाई मैंने युवा साथियों का मास्टर मनोज कुमार जी, मास्टर कृष्ण कुमार जी, तो सारे दुनिया दूरदर्शी के साथ इस इलाके को उभरते उनका देखिए दूसरे नंबर पे कुछ सेकंड चूक गया। ये स्टूडेंट है दोस्तों, चौथा राउंड जिन्होंने समाप्त किया, हमने बता दो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज नरवाड़ा के अंदर जो स्टेडियम है नवोर दीप, वो सच्चा खेड़ा के उभरते हुए धावक थे, एशियन गेम की वो तैयारी कर रहे थे और रेल दुर्घटना में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। नाम लेकिन हमें गर्व है इस इलाके को में, और आज ये सैकड़ों सैकड़ों युवा उसी राह पे दरोदा वासियों की सोच की बदौलत बहुत बड़ा इनाम, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में भी नहीं होता इतने बड़े इनाम। आठ गोडे तुड़वा जाए लेकिन एक आकर्षक इनाम रखे आयोजन आयोजक कमेटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करें सारे गांव वाले। और भाई जगड़ सिंह बहुत बढ़िया, जितने भी ये देखिए दादर हम सर तीर्थ की दशा बांध के इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं, हर ग्रामवासी गदगद और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बड़ा गांव में बड़ी सोच लेकर बड़ी प्रतियोगिता दौड़ की, इन छोटे छोटे बालकों में भी उसी उठेगी कि मारे भी दौड़ का अभ्यास करा करेंगे। हमारा स्टेडियम भाई पल्लव राम के कार्यकाल में तैयार होया, लेकिन इसकी दशा दरोदा गांव के अनुरूप तो नहीं आज कि वे इसको और अच्छा बेहतर करा जा सके है, लेकिन कदम ताल देखने लायक इन जवानों की, हर एक की नजरें सैकड़ों हजारों की तादाद में दर्शक इन गाबरुआ के कदम देख के बड़ा दम सा जितना दम वो लगा लग रहे हैं इतनी खुशी दर्शकों में लग रही है। एक साथ कदम ताल करते हुए ये छोटा सा बच्चा पतला सा देखिए मुर्ग की तरह उछल कूद करते हुए अंतिम ग्रुप आज का, लेकिन कोई भी मायूस ना हो, आप बहुत बड़ी इस ग्रुप में दोस्तों मेरे एकेडमी स्टूडेंट है, काफी अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोस्तों। और भाई सोशल मीडिया के लिए भी रिकॉर्डिंग इस आयोजन के कारण लग रहा है, सारे खिलाड़ियों ने और आयोजन में सहयोग करने
वाले जवानों ने पूरे गांव की तरफ से और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाई पालाराम, मास्टर मनोज कुमार जी, छोटे भाई अंग्रेज मनदीप, मास्टर कृष्ण कुमार जी और हमारे बड़े भाई सतबीर डॉक्टर सत्यनारायण गणमान नियुक्ति गांव के काफी पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद सब गांव वासियों का, बाहर से आए खिलाड़ियों के ऊपर प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत बड़ी चीज है। बहुत ही शानदार आयोजन सारे दुनोत्तम हौसले के सहयोग से आगे बढ़ा है और अपने दादा के साथ आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं सारे युवा बच्चे आने वाले दिनों में। यहाँ जो बच्चों को कोचिंग देते हैं और इस आयोजन में लगातार दूर दूर जीर से भी आगे तक खिलाड़ी आ रहे हैं अंतिम राउंड बहुत बढ़िया दमदार कदमों से दूर आशीर्वाद उसने मिलेगा, वो बड़ा दावत पड़ेगा, सारे ग्राम वासियों का आशीर्वाद उसने मिलेगा। बहुत बड़ा आयोजन और उम्मीद रहेगी स्टेडियम की बहुत बड़ा दोस्तों। मेरी अकेडमी से 3 नंबर स्टूडेंट था, बड़े अच्छे रन करता दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मुकाबले पहला राउंड के खत्म हो गए हैं और 7-7 खिलाड़ी इन ग्रुपों में से आयोजन कमेटी ने छांट लिए हैं, लेकिन पूरा दम 4 चक्कर जो भी रह गया हो दुनोदा में सबका स्वागत है, सारे दावकों का बड़ा दिल से दुनोदा सारा आभारी। आप किस मां मुकाबले को आपने बहुत बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी तादाद में पहुंच के सारे दर्शक, इतने सारे खिलाड़ी इस आयोजन ने देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो लाखों की तादाद में यह आयोजन लोगों तक पहुंचेगा। तो भाई चैल डिफेंस एकेडमी के हमारे भाई जो कर रहे रिकॉर्डिंग, बहुत बहुत आभारी हम उनका, बहुत अच्छे तरीके से वो इस दुनोदा के आयोजन को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाने लग रहे हैं, तो हर ग्रामवासी के आभारी हैं। बड़ी संख्या में
हमारे बीच दोस्तों बड़े भाई दौड़ में जो कंपटीशन दौड़ उसका आखिरी ग्रुप देखिए कदम ताल इन धावकों के बहुत बड़ा मैं तो निकूंगा दिल दिखाया है इस आयोजन में पहुंच के भाई बल्ला राम एक्स सरपंच मास्टर मनोज कुमार जी बार बार इनके नाम क्यों अनाउंस की जान लग रहे हैं क्योंकि सारे नामों में योगदान देंगे ताकि दरोधर में जो खिलाड़ी जीत के जाए वो सदा खुश रहेंगे। ये मेरे अकेडमी स्टूडेंट है दोस्तों जो आगे आ रहे सबसे आगे मेरे अकेडमी स्टूडेंट है बार बार मंचा सिंह हाँ सारी तरह के कोई कलाकार आ रहे हो मिमिक्री कर रहे हो कोई गीत गा रहा है बस उसका भी स्वागत है अगर वो अपनी प्रस्तुति देना चाह रहा है और कोई हर किसी भाई के अंदर हो द्रोणागढ़ में सबका स्वागत है दिल से। और दलोदर की यह खास बात है 10 करोड़ दान करके अपनी गौशाला और दादर अमसर तीर्थ का नव निर्माण करा बच्चे बच्चे ने दान किया और आज बड़ा आयोजन समस्त विशिष्ट मेहमानों की बदौलत और सारे ग्रामवासियों की सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे परम शिष्य जो आज आर्मी में देश सेवा में तैनात हैं और आज उधर पहुंचे हैं उन सबका भी विशेष विशेष आभार है क्योंकि उनकी देख के बहुत कुछ सीखेंगे आज जो मैदान में दौड़ लगाने की प्रैक्टिस लग रही है और वो भी कामयाबी को छोड़े जाने वाले दिनों में बहुत बड़ा आयोजन आसपास के उभरते हुए धावकों के लिए समस्त दौड़ वासियों की दया से मैं कहूंगा और एक और भाई आए हैं फौजी भाई हैं इनका भी स्वागत है दोनों में करियर पॉइंट अकेडमी है अगर आप फौजी बनना चाहो तो संपर्क कर लियो भाई थे क्योंकि जब हम किसी भर्ती में पहुंचे ना वह हजारों हजारों की तादाद में पूरे हरियाणा प्रदेश के जवान गाबरू पहुंचे हैं लेकिन जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस चीज का फल परमात्मा जरूर दे रहे हैं। इस यादगार भाई कोई खास निमंत्री सुनाना कोई गीत सुनाना कोई भी बाहर से आप कलाकार कलाकार होगा तो क्योंकि दुरोधा का नाम कलाकारों की वजह से बहुत मशहूर है हमारे दोनों शिष्य कुलबीर बिंदर जोर शोर से लग रहे हैं हरियाणवी कल्चर को चमकाने में और भी कोई ऐसा साथी खोजो उसके लिए 500 रुपए का नाम हमारे अजीज घोषणा लग रहे हैं मुकाबला देखने लायक कदमों का दम देखने लायक है याद कर हमारे और दीप ने इस इलाके में ललक जगाई थी दूरन की लेकिन भगवान ने वो छोटी सी उम्र में प्यारे हो गए लेकिन आज दलोदर ने आयोजन करके उन धावकों की याद को ताजा करा भाई मनदीप चहल ने वो सपना नवर दीप ने जो दूर छूट गया था वो पूरा करा इस हिंदुस्तान के लिए और आज सैकड़ों धावकों का होंगे हाँ एक और हमारा अपना गांव सच्चा खेड़ा राजेंद्र नैन जिसने जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के हमारे दरोदा हरियाणा और हिंदुस्तान का नाम रोशन कराया है उसको भी बहुत बहुत बधाई है सारे खिलाड़ियों की ओर से।
हमारे विशिष्ट मेहमान भी प्रशंसा कर रहे हैं इसकी। आधे कीड़े आठवां और दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। 30 फौजी के नेतृत्व में संदीप फौजी एयरफोर्स में कार्यरत है और अजीत कमांडो कई बार हवाई जहाज से छलांगे लगा चुका है नीचे, वो भी दिखाई पड़ा मुझे। तो दोस्तों और लगातार ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। रनिंग कंपटीशन हमारे जितने काफी मात्रा में स्टूडेंट आए हैं, काफी आस है दोस्तों, देख सकते हैं आप पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है दोस्तों। बड़ी संख्या में तो नए नए बालक हर तरह की नौकरियां में चयनित होने लग रहे हैं। हर ग्रामवासी को बड़ी बड़ी खुशखबरियां देने लग रहे हैं, मेहनत करके अपनी परीक्षाएं पास करने लग रहे हैं, दूर में वो लड़ लग रहे हैं और उनकी सोच सकारात्मक बनाने के लिए आज रिले रेस का आयोजन रखा है आयोजक कमेटी ने। ये भी बहुत बड़ी सोच है। तो वे रिले रेस आयोजन क्यों लगातार दोस्तों, ये दोनों का कंपटीशन है, रनिंग कंपटीशन दोस्तों, और ये पैसे की कोई कमी नहीं। जो हिट का है लास्ट ग्रुप है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 29 स्टूडेंट को छाड़ा जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे दे रखे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट का ग्रुप है। दानवीर बहुत बड़े बड़े हैं, इस तरह के बड़ी अच्छी प्रतियोगिता करवाई है गाँव में, पंचायत में करेंगे, कमेटी के शोक से बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ दोस्तों। सही आयोजन समय समय पे करवावे, इस तरह के लगे हैं आज हमारे गाँव के दोस्तों। ये लास्ट का ग्रुप है और मेरे का डिग्री 3-4 स्टूडेंट है दोस्तों, और कमेटी में देखते हैं कैसा रहता है। जुड़े, ये अच्छे करते हैं, दौड़ बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी है। मेरे का डिग्री 3-4 स्टूडेंट है दोस्तों, ये लास्ट का ग्रुप है, देखो आप। ये जो फाइनल एक अभी शुरू होने जा रही है, इसमें टोटल खिलाड़ी 41 खिलाड़ी है और आगे कार्रवाई मास्टर मेहर सिंह जी। लेकिन दौड़ शुरू होने से पहले सारे धनोदा वासी बाहर आए हुए, एक जोर का नारा ला दिया था, धर्मसर तीर्थ का गौ माता का जय बोलो, था धर्मसर तीर्थराज महाराज की, गौ माता की, और सारे बाहर आने वाले खिलाड़ियों की। इकतालीस धावक दम दिखाएंगे धनोदा में, दा धर्मसर का आशीर्वाद है इस आयोजन में। यह आयोजन हम दे रहे हैं, 41 का वक्त तैयार, विसल हो गई है, रुके रुके हाँ, पहला दूसरा तीसरा भाई वो दिप्पड़ सिलेंडर जिस जिसकी जिम्मेवारी लग रही हो तैयार रहेंगे। दौड़ शुरू, फाइनल मुकाबला, पूरा दम देखने लायक, कदमों की उठा पटक जमीन पे और हरेक की धड़कन तेज होगी, क्योंकि इस महामुकाबले की विजेता का निर्णय हो जाएगा। और भाई चहल एकेडमी वाला बहुत बढ़िया तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए कदमों का तालमेल, देखें धावकों का देखने लायक दृश्य। टाइम बहुत बढ़िया जुगर भाई, 35-36 सेकंड लगातार नोट किया जा रहा है, और एक धावक ने तो भाई जमा धार बांध रखी दौड़ने की, क्या कमाल है थोड़े, लेकिन आखिरी दम पे बेरा पटेगा भाई, कितना बढ़िया तालमेल। 41 सारे विजेता दौड़ लग रहे हैं, साफ पैर रखे इस कारण है, लेकिन फिलहाल जिसका मजबूत होगा रणनीति, जिसकी मजबूत होगी वो जीतेगा। पार गया दूसरा चक्कर लगातार, 1 मिनट 14 सेकंड 15 सेकंड 16 लगातार टाइम नोट किया जा रहा है, और सारे दर्शक अपने अपने अनुभव आ रहे हैं, सारे के कदमों ने परखा लिया कि कौन सा जीतेगा।
की धरती द्रौपदा में दौड़ लग रहे हैं। महा मुकाबला भाई, जिसका दिमाग और दिल दोनों काम करेंगे और रणनीति कारगर वो बड़ा होगा। किस टाइम तेज दौड़ना है, किस टाइम वो विजेता रूप विजेता तीसरा स्थान जीत करेगा भाई। दूसरा चक्कर पहुंचने वाला है, लेकिन दूसरा चक्कर थोड़ा सा स्लो हो गया, 2 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इसमें दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सारे का हुक्का से निवेदन रहेगा कि हौसले के साथ दौड़े। क्योंकि भाई बहुत बड़ी दौड़ है, इस तरह की दौड़ तो कोई बड़ा जीतने वाला खिलाड़ी जीत के अग्रे है। 1600 1625 मीटर की दौड़ और इतने कम समय में पूरी करनी बहुत बड़ी चीज है। साइड में रहियो, साइड में। तीसरा चक्कर पूरे करेंगे कुछ खिलाड़ी, मिनट 3 मिनट 17 सेकंड 18 सेकंड 19 सेकंड 13 सेकंड हर चक्कर में ऊपर हो रहा है, लेकिन दिल थोड़ा कर रही है। ये तो ग्रहण को पहले बहुत बढ़िया, दो जानकारियों से